मैं दुर्गेश जायसवाल, मेरे YouTube चैनल e-learning विद दुर्गेश में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस समय जनवरी महीने में हमारे यहाँ हल्की बारिश हो रही है। तो दोस्तों, यह एक कौतूहल का विषय होता है, आश्चर्यजनक विषय होता है कि भारत में ठंडियों में वर्षा क्यों होती है, क्या कारण होता है, यह वर्षा कैसे होती है, ये तमाम तरह के प्रश्न हमारे जहन में आ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं दुर्गेश जायसवाल आपको इस पजल को, इस पहेली को सुलझाने में थोड़ी सी आपकी मदद कर देता हूँ। दोस्तों, ठंडियों में जो उत्तर भारत में वर्षा होती है उसे हम कहते हैं पछुआ पवन या पछुआ हवाएं। यह जो पछुआ पवन होती है या पछुआ हवाएं होती है, इसे उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम की जो धारा होती है उसी के संपर्क में आने के बाद उत्तर भारत में वर्षा होती है। चलिए दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानने का प्रयास करते हैं या समझने का प्रयास करते हैं, ये कैसे जन्म लेती है और भारत में यह किस तरह से वर्षा में सहायक होती है। दोस्तों, जो ठंडियों में हमारे यहाँ वर्षा होती है, यह जेट स्ट्रीम की धारा होती है जो पश्चिम से पूरी तरफ बहती है, उसी से संपर्क में आने के बाद जो हमारे उत्तर की पूर्व की तरफ बढ़ती हैं, उन्हीं से हमारे देश में वर्षा होती है। चलिए इसके प्रक्रम में को थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो हम लोग जानते हैं अफ्रीका महाद्वीप में विश्व का सबसे बड़ा डिजर्ट या मरुस्थल है, इसे कहा जाता है सहारा डिजर्ट। वहाँ की जो मानसून होती है वह उष्णकटिबंधीय होती है और उसके ठीक ऊपर यूरोप में जम जाते हैं। तो यूरोप में हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे शीत जलवायु होती है। तो दोनों जलवायु का भूमध्य सागर के ऊपर दोनों का आपस में मिलन होता है तो वहाँ पे प्रति चक्रवात का निर्माण होता है, प्रति चक्रवात का निर्माण होता है। यह प्रति चक्रवात जो है, जो हमारे प्रति चक्रवात है, यह अटलांटिक महासागर जिसे आंध्र महासागर कहते हैं, भूमध्य सागर से नमी प्राप्त करता है। देखिए, ये प्रति चक्रवात का निर्माण कैसे होता है, यह प्रति चक्रवात जो है ये भूमध्य सागर में इसका निर्माण होता है। कहाँ से? सहारा के जो मरुस्थल वहाँ डिजर्ट से, डिजर्ट की तरह से गर्म जलवायु और यूरोप की शीत जलवायु दोनों आपस में जब मिलती हैं तो वहाँ पे प्रति चक्रवात बनता है। कहाँ पे? भूमध्य सागर में। और यह प्रति चक्रवात जो होता है भूमध्य सागर, आंध्र महासागर जिसे अटलांटिक महासागर कहते हैं, यहाँ से नमी प्राप्त करता हुआ ये किधर की तरफ बढ़ता है? पूर्व की तरफ बढ़ता है। किधर? ये पूर्व की तरफ बढ़ता है, पूर्व अर्थात इंडिया की तरफ बढ़ता है। जब ये पूर्व की तरफ बढ़ता है तो इसे भूमध्य सागर के बाहर कैस्पियन सागर में जब पहुंचता है, यहाँ भी से थोड़ी बहुत नमी या नमी की मात्रा प्राप्त हो जाती है, या जो यह प्रति चक्रवात होता है इसमें नमी की मात्रा विद्यमान होती है, वो इसे मिल जाती है। फिर ये जब भारत की तरफ बढ़ता है तो हम जानते हैं ये भारत है, इसके जो ऊपर यहाँ पे इस क्षेत्र पे पामीर की पठार या पामीर की घाट है, तो यहाँ पे इस समय उच्च वायुदाब होता है और पामीर के पठार के पास निम्न वायुदाब होता है। जैसा कि हम आप जानते हैं, हमारे हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है। वह जो चक्रवात है, वो जो जेट स्ट्रीम की धारा से आ रही है, तो वह जो पछुआ उपोष्णकटिबंधी जो जेट स्ट्रीम की धारा है, जो जेट स्ट्रीम द्वारा पूर्वी जो मानसून है जो आगे की तरफ बढ़ रही है, बढ़ने का सबसे बड़ा कारण क्या है? यहाँ पे जो पामीर की गांठ है, जो पामीर की पठार है, यहाँ पे लो प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर, तो हवा किधर जाती है? पूरी तरफ आती है। और यहाँ आने के बाद जब यह पामीर की गांठ से टकराती है तो दो भागों में टूट जाती है। कितने शाखाओं में? दो भाग या दो शाखाओं में टूट जाती है। एक तो पामीर के उत्तर की तरफ प्रवाहित हो जाती है, दूसरी पामीर के दक्षिण की तरफ। कह सकते हैं हम कि दोनों एक दूसरे की पैरेलल पूर्व की ओर बढ़ती है, किंतु बीच में पामीर की गांठ का अवरोध होने के कारण एक उत्तर की तरफ और एक दक्षिण की तरफ घूम जाती है। जो उत्तर की तरफ घूम जाती है वह तो दक्षिण की तरफ होते हुए साइबेरिया की तरफ निकल जाती है, किंतु जो दक्षिण की तरफ घूमती है वह हमारे पूर्वोत्तर भारत की ओर प्रवेश करती है। अब यहां से हम लोग को समझने योग्य बातें हैं। अब यह हवाएं इधर किस लिए आती है? यहाँ पे लो प्रेशर होता है। दूसरी बात, जब ये सतह के पास पहुंचती है तो क्या करती है? इसे ढकेलने का काम करती है, क्योंकि बंगाली खाड़ी की अपेक्षा यहाँ पे लो प्रेशर बन जाता है, हाई लो प्रेशर बन जाता है, इसलिए क्या होती है? इधर की तरफ, पूर्वोत्तर की तरफ प्रवाहित होती है। जब ये हिमालय में प्रवेश करती है, पामीर की गांठ टकराने के बाद जब भारत के हिमालय श्रेणी में प्रवेश करती है, तो जैसे ही प्रवेश करती है तो हिमालयी क्षेत्र में या पर्वतीय क्षेत्र में जो राज्य होते हैं वहां पे खूब ढेर सारा हिमपात होता है। क्या होता है? हिमपात, जिससे आप कहते हैं बर्फबारी होना। तो जम्मू कश्मीर,
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जो पर्वतीय क्षेत्र है यहाँ पे हिमपात होते हैं। क्या होते हैं? हिमपात होते हैं। और जैसे ही यह कहाँ पड़ता है? पश्चिम की तरफ, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार, मतलब जो इसका क्षेत्र होता है, जो ये फैलाव होता है, ये कहां तक होता है? यहां से पश्चिम से शुरू करते हैं, भारत के पश्चिम, हिमालय के पश्चिम छोर से जहां से प्रवेश करता है, यहां से लेकर ये लगभग पश्चिमी बिहार तक यह पहुंचता है, यह मानसून आता है। लेकिन जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पे हिमपात तो होता है, जो मैदानी क्षेत्र है वहां पे क्या होता है? ये वर्षा के रूप में बरसता है। और इसकी जो तिथि है यहाँ भारत में आने की, ये पछुआ पवन जो तिथि होती है वो 15 जनवरी से लेकर 15 अप्रैल तक होती है। अर्थात जो ये पछुआ पवन होती है यह 15 जनवरी से लेकर 15 अप्रैल तक प्रभावी रहती है। और जब ये मैदानी क्षेत्र में आती है तो उस समय शीतलहरी का प्रकोप होता है, इसे आप कहते हैं इस समय बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ रही है या शीतलहरी चल रही है। ठीक, हवाएं जो चलती हैं एकदम शीत होती हैं, एकदम ठंडी होती हैं, तो जो शीतलहरी का प्रकोप होता है वह यही पछुआ पवन के आने की वजह से होता है। तो मैदानी क्षेत्र में शीतलहरी का प्रकोप होता है और जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहां पे हिमपात होता है या बर्फबारी होता है। इसी समय कुल्लू मनाली जो लोग घूमने के लिए जाते हैं, इस समय जो टूरिज्म होते हैं, जो पर्यटक होते हैं, वह स्थान अनुकूल होते हैं क्योंकि इस समय यहाँ पे खूब अधिक मात्रा में हिमपात होता है, जो कि एक पर्यटक के लिए जो जाने का जो सबसे बड़ा कारण होता है, जो वह पर्यटकों पर जो पर्यटक होते हैं उन्हें आकर्षित करता है वह हिमपात, वह इसी समय यहाँ पे पड़ता है। लेकिन इसकी एक खूबी और है, यह जो वर्षा होती है कहाँ? मैदानी क्षेत्र में। यह वर्षा बूंदाबांदी के रूप में होती है और जब भी होती है यह 2 से 3 दिन तक लगातार वर्षा होती है। उसके बाद इसकी यही खासियत है कि यह लगातार वर्षा 2 से 3 दिन तक होती है और मैदानी क्षेत्रों में यह शीतलहर आती है। इसका एक सूचक है कि कैसे हम आप कह सकते हैं कि पछुआ विक्षोभ आने वाला है, इसके लिए जब रात में जब आपको गर्मी का आभास हो, जब तापमान बढ़ने लगे, मतलब जब इसका आगाज होता है तो जो गर्मी रात में क्या होती है, गर्मी या तापमान बढ़ जाता है, तब ये माना जाता है या सूचक इसका होता है कि अब भारत में पछुआ विक्षोभ का प्रवेश हो चुका है और शीतलहरी आने के संकेत मिल जाते हैं। क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में जो हवाएं चलती हैं उनका टेम्परेचर इतना कम हो जाता है कि उस हवाओं को हम क्या कहते हैं, शीतलहर का नाम देते हैं, जिसे गर्मी में आप लू कहते हैं, वही शरद ऋतु में, शीत ऋतु में किस नाम से पुकारी जाती है? शीतलहर के नाम से पुकारी जाती है। कभी कभी यहाँ से एक शाखा टूट कर अरावली श्रेणी, दिल्ली, देखिए दिल्ली में इस क्षेत्र में दिल्ली भी आता है, पंजाब, देखिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार, यहाँ पे वर्षा होते हैं और कुछ क्षेत्र जैसे आपका दिल्ली, इसी बेल्ट पे दिल्ली पड़ता है, कभी कभी इसकी कुछ शाखा अपनी रास्ता भटक के पश्चिमी राजस्थान की तरफ चले जाते हैं, तो वहां की भी जलवायु क्या होती है, वो ठंडी हो जाती है। तो क्या होता है, जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पे हिमपात करते हैं और जो मैदानी क्षेत्र है वहां पे क्या करते हैं, वर्षा करते हैं। वर्षा बूंद के रूप में होती है और ये वर्षा 2 से 3 दिन तक लगातार बूंदाबांदी के रूप में वर्षा होती रहती है। और जब ये पश्चिमी राजस्थान में जाती है, इसी को मावट के नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं, मावट कहते हैं। और मैदानी क्षेत्र में जब आती है तो हमारे यहाँ इसे पछुआ विक्षोभ के नाम से जानते हैं। किस नाम से? पछुआ विक्षोभ के नाम से जानते हैं। और यह रबी के फसल के लिए सबसे उपयुक्त होती है, कहा जाता है रबी की फसल प्रमुख रूप से देखा जाए उत्तर भारत के दृष्टिकोण से, इस समय यहाँ पे गेहूं की खेती की जाती है या गेहूं की फसल लहराती होती है। इसलिए जब यह मानसून आती है तो इन खेतों को दोहरा फायदा होता है, डबल जान मिल जाती है। पहली चीज ठंडक पड़ जाती है उनकी जड़ें की वजह से, भी आप लोग जब भूगोल शुरू करेंगे तो आपको बताएंगे उनकी जड़ों को क्या फायदा मिलता है। और उस मानसून में वर्षा होती है अर्थात वर्षा की कमी पूरी हो जाती है और साथ ही साथ ठंड की ऋतु होने की वजह से जो गेहूं की पैदावार होती है उसमें तीव्र गति से वृद्धि होती है और इससे दोहरा फायदा होने के कारण उत्तर भारत में इसका आना शुभ संकेतक होता है। लेकिन इससे शीतलहर चलने लगती है, लेकिन वर्तमान ग्लोबल वार्मिंग के दृष्टिकोण से यह भी महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोगों ने सीखा कि जो हमारे यहाँ ठंडियों में वर्षा होती है वह पछुआ विक्षोभ के कारण होती है और यह कहाँ तक होती है, यह पूरा पूर्वोत्तर भारत में होती है और पश्चिमी बिहार, कुछ हिस्सा बिहार तक। उसके बाद यह पूर्व की तरफ बढ़ती हो जाती है, लेकिन जो जो यह पूर्व की तरफ बढ़ती है तो इसमें नमी की मात्रा कम हो जाती है और ये सूखे के रूप में और आगे जाती है। आगे जब यह पहुंचती है कहाँ पे, पूर्वोत्तर भारत में, तो यहाँ पे हिमालय आने के बाद
कहां दक्षिण तरफ घूम गया है, एक पर्वत है जिसे कहते हैं अराकानियोमा। तो अराकानियोमा से टकराने के बाद फिर किधर घूम जाती है, आपने पढ़ा होगा, अभी पढ़ा नहीं होगा, आगे हम लोग पढ़ा देंगे फ्लेम का नियम। तो ये हवाएं कहां घूम जाएंगी, ये कहां घूम गई, दक्षिण तरफ। फिर दक्षिण तरफ पहुंचती है तो हमें था बंगाल की खाड़ी। बंगाल खाड़ी होने के बाद ये किधर घूम जाती है, ये तुरंत किधर घूम जाती है, ये दक्षिण पश्चिम की तरफ घूम जाती है। और दक्षिण पश्चिम की तरफ घूमते हुए जब ये बंगाल की खाड़ी में हवाएं पहुंचती है तो यहाँ से क्या मिल जाता, नमी आर्द्रता मिल जाता, ह्यूमिडिटी मिल जाता। फिर जब तमिलनाडु के तट पहुंचती है तो यहाँ पे घनघोर वर्षा करती है। तो यही हवाएं जो पछुआ विक्षोभ की हवाएं हैं वह कहां होती है, वहां पे तमिलनाडु में वर्षा करती है, जिसे कहते हैं लौटता मानसून। माने यह जाते वर्षा नहीं होती, जब लौटता है तो यहाँ पे वर्षा होती है, इसलिए जो तमिलनाडु का तट है इस समय वर्षा होती है, इसे कहते हैं लौटता मानसून। और हम आपकी भाषा में वही पछुआ विक्षोभ है जो यहाँ पे अराकानियोमा टकराने के बाद कहां पहुंचता है, बंगाल की खाड़ी, उसके बाद कहां पहुंचता है, तमिलनाडु की पूर्वी तट। पूरी तमिलनाडु की बात नहीं कर रहे, तमिलनाडु की पूर्वी तट पर घनघोर वर्षा करता है, यहीं पे चेन्नई है। चेन्नई में भारी वर्षा का जो आगाज होता है तो उसका जो सबसे प्रमुख कारण है वो आपका पछुआ पवन या पछुआ हवा है जो जेट स्ट्रीम की धारा के साथ आता है। अब प्रश्न उठता है यहाँ से कि हवाएं कैसे आती है, तो एक जेट स्ट्रीम की धारा होती है जो ट्रोपोपास में चलती है, उसी के सहारे यह भारत में प्रवेश करता है। और उसके लिए सबसे जो बड़ा जिम्मेदार है वह यहाँ पे पामीर की गांठ है। पामीर की गांठ टकराने के बाद ये दो समानांतर धाराओं में बढ़ जाती है, उत्तर और दक्षिण। तो जो उत्तर की तरफ आती है ये क्या करती है, पर्वतीय वाले राज्यों में हिमपात करती है, और मैदानी क्षेत्रों में क्या होती है, 2 से 3 दिन तक बूंदाबांदी वर्षा करती है, जिससे शीतलहर का आगाज होता है। रबी की फसल के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, उसमें भी गेहूं की फसल के लिए या गेहूं के पैदावार के लिए ये सबसे प्रमुख होती है। और पश्चिमी से राजस्थान जो है, राजस्थान में इसे मावठ के नाम से कहते हैं, इसलिए आप उसकी शुरुआत हो चुकी है। पछुआ विक्षोभ आपने देख लिया, इसे एक नाम से और कुछ लोग इसे लौटते मानसून के नाम भी संज्ञा देते हैं, जबकि तमिलनाडु में है। फिर भी इसे आप सब जानते रहिएगा, मैंने इसलिए बता दिया कि इस समय बरसात का मौसम है, ये मौसम बड़ा सुहाना होता है उन सभी पर्यटकों के लिए और आपके लिए भी है। और इस मौसम का आप सभी आनंद लीजिए और भगवान से प्रार्थना करिए कि पैदावार में लगातार वृद्धि हो, क्योंकि ये किसानों के हित के लिए होती है। और हम जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए इस मानसून का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। और यह पूरे जनवरी से लेकर अप्रैल के बीच में चलती है और प्रतिवर्ष यह मानसून आता है। तो हम आज तक इससे अछूते थे, लेकिन आज मुझे लगता है आप शायद अगर जानते होंगे तो अभी अच्छी बात है, नहीं जानते होंगे तो मैंने आज आपको बता दिया, शायद ये आपके जानकारी में के लिए एक बेहतर होगा, क्योंकि हम आपके अंदर जिज्ञासा होती है, मनुष्य जिज्ञासु प्राणी है, तो आपके अंदर भी यह जिज्ञासा रही होगी ठंडियों में वर्षा कैसे होती है, तो पछुआ विक्षोभ से होती है। आप सभी साथियों को अगर ये वीडियो बेहतर लगा हो, समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो अपने सभी साथियों को शेयर करिएगा, ताकि वो भी जान सके हमारे यहाँ ठंडियों में वर्षा कैसे होती है और क्यों होती है, इसका सबसे प्रमुख कारण क्या है। तो आप सभी साथियों को मेरी तरफ से इस विंटर सीजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस नए वर्ष की पहली बारिश आप सभी को मुबारक हो। जय हिंद, जय भारत।